जी आप बहुत कम मूवीज में दिखते हैं, तो क्या कारण अरे है? कोई लेता ही नहीं यार। अनिल जी, माय क्वेश्चन इज टू यू सर। सर यो, वेर आर यू? सर यो, या सो सर, इज इट ट्रू कि नाना सर थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है ऑन सेट्स, कभी भी थोड़ा भी कुछ बुरा लगता है? अभी 10 मिनट पहले झगड़ा हुआ है सर लिफ्ट में। इधर कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, इतना बड़ा स्क्रिप्ट हमको अभी हाथ में थमा दे रहे हैं। हमने कहा यार रिहर्सल नहीं कुछ नहीं, ऐसे कैसे करेंगे? तो मैं बेचारा वो कंपेयर करने वाला था, मैंने कहा गलत सवाल किया तो मैं मारूंगा, तो बोलता है यार आप काय को मारेंगे, माफ करना यार। मैं सच्ची सर अभी क्या करेंगे, अभी देखो यार यहाँ तो एक ही बात हो सकती है, फियास को रटने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है कि नहीं? इनको लगता है कि नहीं बहुत कि स्वयंभू तो है नहीं, हम ये लिखते हैं हम बोलते हैं, ऐसे थोड़ी है, झगड़ा बहुत होता है यार। मुझे लगता है, देखिए एक बात बताओ, जहाँ तक एक्टर और डायरेक्टर का ताल्लुक राइटर का होता है, मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छी बात है कि भाई या तो कन्विंस हो जाइए या कन्विंस कर दीजिए, क्योंकि एक एक्टर जो बिल्कुल सवाल ही नहीं करता है और सिर्फ काम कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कितना इंटरेस्टेड है फिल्म में काम करने में। लेकिन क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्टर्स हैं, इतनी बड़ी फिल्म बनती है जब, तो बहुत सारे एक्टर्स होते हैं और सबके जहनों में अपने सवाल होते हैं और वो होते हैं, लेकिन मुझे लगता है एज ए राइटर डायरेक्टर अगर आपने मेहनत की है स्क्रिप्ट पे और अगर आपने उस फिल्म को जिया है और उस फिल्म को सोचा है और अगर आप क्लियर हैं, तो मुझे लगता है उतनी तकलीफ होती नहीं है। इसलिए कि लास्ट में मामला यही है कि जो ये होता है जो डिस्कशन, वो सिर्फ इसलिए होता है कि किस तरह हम जो मेहनत कर रहे हैं वो और अच्छी हो, तो वो जो रिएक्शन होते हैं उनके वो पॉजिटिव ही होते हैं। तो अगर आपको एज ए राइटर डायरेक्टर ये पता है कि आप क्या फिल्म बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो क्लियर हो जाता है और कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होती। नहीं, एक थोड़ी सी बात ऐसी होती है कि इनको हम हमेशा कहते हैं कि भाई सीन ज़रा थोड़ी जल्दी दे देना ताकि वो जहन में रह जाए। ये रात को ला के वो हमारे होटल के इधर से अंदर से सरका देते थे रात को 3 बजे। नहीं, इनको 2 बजे सूझने लगता है। नहीं, मैं मुझे बोलने दो। अब ये चाहते हैं कि हम दूसरे दिन करें। एक एक्टर करके इनसिक्योरिटी भी होती है, यार इसको क्यों इतनी अच्छी लाइनें दी है, मुझे क्यों दी, ऐसे होता है ना, ऐसे थोड़ी बोले चलेगा। तो डिस्कशन उसके ऊपर भी होता है, यार मेरी पंच लाइन क्यों नहीं, इसकी क्यों है, इसकी क्यों है, मेरी क्यों नहीं है, तो उसके ऊपर बहस ज्यादा होती है। मैंने नाना जी को बताया भी था, क्या है कि स्क्रिप्ट जो है वो लिखी होती है, सीन्स लिखे होते हैं, बट मुझे लगता है कि एक जो सिर्फ डायरेक्टर होता है वो एक बाइंड स्क्रिप्ट को जो है वो एक चीज़ मानकर वो शूट कर सकता है, लेकिन जब एक राइटर आप होते हैं तो आपके साथ एक एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी ये होता है कि आपको जब सुबह शूट करना है तो रात को बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू होती है, और अच्छा खासा जो लिखा हुआ सीन है जिसको लोगों ने सुना है और बहुत वाह वाह किया है, वही रात को ऐसा लगता है कि नहीं इसमें भी बहुत कमियाँ हैं, तो वो एक दुश्वारी है। ये एडवांटेज आपका है, डिसएडवांटेज हमारा है।